एक लंबे कालखंड तक जिन्होंने आजादी की लड़ाई के अंदर अपने साहित्य के माध्यम से अपनी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से अपने साहित्य के द्वारा किस तरीके से देश में आजादी के आंदोलन की क्रांति लाई जा सकती है, हिंदी जगत के उस समय जब आजादी का आंदोलन था किस तरीके से हिंदी हिंदुस्तान मातृभूमि और भाषा के आधार पर अपने साहित्य रचना नाटक के आधार पर एक कालखंड के अंदर जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन लड़ने के लिए लोगों को प्रेरणा दी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम सब याद कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 170वीं जयंती पर हम उनको याद करके अपनी प्रेरणा लेंगे। किस विकट परिस्थितियों के अंदर अंग्रेजी हुकूमत में उन्होंने हिंदी साहित्य के द्वारा 1857 से लेकर 1900 तक एक कालखंड में उन्होंने इस देश के अंदर एक नई क्रांति, एक नया बदलाव, हिंदी के प्रति अपनी मातृभाषा के प्रति अपना प्रेम समर्पण और किस तरीके से भाषाओं के आधार पर मातृभाषाओं के आधार पर हम देश के अंदर क्रांति का बदलाव ला सकते हैं, उस युग के लिए हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को याद करते हैं। ऐसे भारत के इतिहास की अगर हम हमारी संस्कृति हमारा एक लंबा कालखंड पर जब विचार करते हैं तो इस कालखंड के अंदर चाहे राजाओं के राज में हो, कोई भी शासक रहा हो, मुगल शासकों के समय भी साहित्यकार, गीतकार, कवि, लेखक, उन्होंने उस समय भी अपनी संस्कृति और साहित्य को जिंदा रखा। ये बात सही है कि एक लंबे कालखंड के अंदर हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन एक लंबे कालखंड को आप देखोगे कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति और धर्म को कई शासकों ने नष्ट करने का प्रयास किया। न भारत की संस्कृति नष्ट हुई, न आध्यात्मिक धर्म नष्ट हुआ, और आज भी दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान
दुनिया के अंदर आज भी संदेश दे रहे हैं, दिशा देने का काम। ये शक्ति और सामर्थ्य भारत की है, भारत के लोगों की है, और इसलिए ये जयंती हमारे समृद्ध इतिहास, हमारी समृद्ध संस्कृति, हमारा समृद्ध आध्यात्मिक ज्ञान और हमारे उन साहित्य आध्यात्मिक संस्कृति के वाहक धर्माचार्यों को याद करके हमें नई प्रेरणा मिलती है। ये वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और इस 75 साल के अमृत महोत्सव में हम हमारे साहित्यकारों, कवि, गीतकार, आध्यात्मिक और जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन को समर्पण किया, बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, उन सबको स्मरण करने का समय है, कालखंड है। और जितना हम हमारे इतिहास को पढ़ते हैं, हमारे क्रांतिकारियों की कहानी सुनते हैं, उनके देश के प्रति बलिदान की कहानियां सुनते हैं, उतनी ही वर्तमान पीढ़ी को नई प्रेरणा मिलती है, नए कार्य करने के लिए आत्मविश्वास पैदा होता है और देश के, राष्ट्र के प्रति समर्पण का, अपना दायित्व का स्मरण होता है। और इसलिए भारत के साहित्य जगत की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत का साहित्य हमारे देश का दर्पण है। हमारे साहित्यकार, उस समय के साहित्यकार, आज के साहित्यकार, जिन्होंने समर्पण से, त्याग से, अपनी लेखनी से, अपने साहित्य से, एक कवि के रूप में, एक गीतकार के रूप में, एक नाट्य के रूप में, आज भी हमारी संस्कृति और हमारी मातृभाषा को उन्होंने जीवंत रखा है, उन सब पुरस्कारकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दुनिया के कितने ही देश में चले जाओ, उन सब देशों में अपनी मातृभाषा केवल उनको अपनी जमीन से नहीं जोड़ती, अपनी संस्कृति से जोड़ती है, अपना समृद्ध विरासत से जोड़ती है और अपनी पीढ़ी को भाषा उसके जीवन में एक व्यापक बदलाव लाती है। मैं कई देशों में जाता हूं तो मुझे लगता है कि उनको अपनी भाषा के अलावा अंग्रेजी भी आती है और भी आती है, लेकिन कभी वह अपनी भाषा के अलावा कभी दूसरी भाषा में बात नहीं करते। और हमें कई बार लगता है कि हम हिंदुस्तान में रह के नए अंग्रेज हो गए हैं, हम उनसे कई बार जब चर्चा करते हैं, उन्होंने अपनी मूल भाषा को कभी नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ा, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा को त्याग करते जा रहे हैं। हमारी पीढ़ी को एक नई संस्कृति का कहीं अदृश्य न हो जाए, ये हमारे लिए तो चिंता का विषय। और हमेशा
मातृभाषा अपने जीवन की संस्कृति, संस्कार, आध्यात्मिक और उसके जीवन की दर्शन देने की दिशा होती है। और इसीलिए जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम याद करते हैं तो उस कालखंड में उनको अपनी मातृभाषा हिंदी का एक प्रणेता, एक युग का अवतार कहते हैं, जिन्होंने अपनी मातृभाषा के लिए सब कुछ समर्पण किया। और इसलिए हम आने वाली पीढ़ियों को हमारी मातृभाषा से जुड़ी रहे, अपनी जमीन से जुड़ी रहे, अपनी संस्कृति से जुड़ी रहे, हमारी समृद्ध विरासत से जुड़ी रहे। इसलिए हम सबको सामूहिकता के प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरा तो हमेशा आग्रह रहता है कि हम हर भाषाओं का सम्मान भारतीय सामाजिक जीवन के अंदर रखें। जितनी दुनिया है उसमें, उस दुनिया के अंदर भारत एक देश है जिसकी भाषा बहुलतावाद, संस्कृति बहुलतावाद, खान पान, वेशभूषा, भौगोलिक स्थितियां, जितनी विविधताएं जितनी है उतनी विविधताएं दुनिया में किसी देश में नहीं। इतनी बड़ी देश के अंदर इतनी विविधता, इतनी विशालता, और ये विशालता, ये विविधता, यही संस्कृति। और दुनिया में जितने धर्म होंगे वह सब धर्म भारत के अंदर है, यह हमारी ताकत है। और इस ताकत पे हमारे समृद्ध इतिहास, हमारी विरासत पर हमें गर्व है। और हम जब दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो हम हमारी भाषा में बात करें, हमारी संस्कृति, हमारे विरासत का इतिहास वह हमारी भाषा में होना चाहिए। इसलिए भाषा का बड़ा महत्व होता है। और कभी आपको लगता है कि किसी भाषा का किसी भाषा में अनुवाद से शब्दों में भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो जाता है, लेकिन भाषा भावनात्मक जुड़ाव भी करती है, अपनत्व का जुड़ाव भी करती है। और निश्चित रूप से शब्दों के माध्यम से हमारे परिवारों को, हमारी संस्कृति को, हमारे आध्यात्मिक को जोड़ने का काम भी करते हैं। इसलिए भारतेंदु समिति के अध्यक्ष श्री हरिकृष्ण जी बिरला और उनके पूरी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जो हमेशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जन्म जयंती मनाते हैं। लेकिन ये जन्म जयंती हमें विद्यालयों के अंदर, नई पीढ़ियों के अंदर भी पहुंचाने की आवश्यकता है। इस आजादी के 75 साल और जो 100 साल का कालखंड हो, जहां दुनिया के अंदर भारत विकास के नए आयाम खड़ा करे, दुनिया के अंदर हमारी आर्थिक बदलाव सबसे तेजी से हो, लेकिन उस बदलाव के साथ साथ हमारी समृद्ध विरासत, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारी मातृभाषा, हमारा आध्यात्मिक, ये भी नई पीढ़ियों के अंदर संस्कार आए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हम सबको इसके लिए एक सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और ये जयंतियां हमें इसी सामूहिक प्रयास करने की प्रेरणा देती है। मैं इस मौके पर पुनः सभी साहित्यकारों को, कवियों को, गीतकारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जो भारतीय संस्कृति, मातृभाषा, साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से अमृत समृद्ध विरासत और इतिहास को
जीवंत रखने में उनका योगदान हम सबको प्रेरणा देगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।